हाय एवरीवन, मैं हूँ स्वाति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे हस्बैंड की बर्थडे ब्लॉग। 12 अगस्त को मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो कुछ दिन पहले मैं अपनी बर्थडे ब्लॉग शेयर की थी आपके साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो वो बर्थडे ब्लॉग और आज की जो बर्थडे ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आज की बर्थडे ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक केक की रेसिपी, जो केक मेरी हस्बैंड अपने बर्थडे पे आज कट करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये केक मैं आज बना रही हूँ कुकर में। यहाँ पे कुकर में मैंने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं, और उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे हम 10 मिनट के लिए। फर्स्ट हम यहाँ पे एक बोल ले लेंगे, उसमें हम 100 ग्राम्स बटर ले लेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। अगर आपकी बटर रूम टेम्परेचर पे नहीं है तो उसको अच्छे से फेंट लीजिए ताकि बटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी हम 2 चम्मच पीसी हुई चीनी लेंगे और उसको बटर के साथ अच्छे से मिला देंगे, कुछ इस तरह। हम उसको अच्छे से मिला देंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अभी हम 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क से ही केक की टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, तो इस स्टेप को आप बिल्कुल भी स्किप मत करें। अभी उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देन अभी ऐड करेंगे हम 1/4 कप क्रीम, जो कि मैं यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, जो कि आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो देन उसको अच्छे से हम मिला देंगे। देन अब हम और एक बोल ले लेंगे, उसमें 1.5 कप मैदा ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा हम ले लेंगे और उसको अच्छे से मिला देंगे। आप चाहो तो एक छन्नी की मदद से भी आप सबको अच्छे से छान भी सकते हैं, बट सबको अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम पहले जो बैटर बनाए थे उसमें ये मैदा की मिक्सर को थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। याद रहे हमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, सारे मिक्सचर को एक साथ नहीं डालना है, वरना हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा थिक हो गया है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही पाक करके पानी आप ऐड कर सकते हैं, एक साथ ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, वरना ये बैटर पतला भी हो जाएगा। अभी हमारी बैटर बन गया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। नेक्स्ट अभी हम एक केकटिन ले लेंगे, उसमें चारों तरफ अच्छे से बटर लगा देंगे, उसके बाद मैदे से हम अच्छे से डस्टिंग कर देंगे, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। मैदा डस्टिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा हम उसको बाहर निकाल देंगे। देन अभी बैटर को हम उसमें डाल देंगे, आप देख सकते हैं मैंने डाल दिया है यहाँ पे सारे बैटर को। यहाँ हमारे कुकर बहुत गर्म हो गया है, उसके ऊपर हम स्टील का एक रिंग रख देंगे, उसके ऊपर केक टिन रख के ऊपर से हम प्रेशर का ढक्कन बंद करेंगे। ढक्कन बंद करने से पहले उसका जो रबर है उसको निकालना है और ऊपर जो व्हिसिल है उसको भी निकाल देना है। गैस के फ्लेम को हमें लो रख के 40 मिनट तक बेक करेंगे। अभी 40 मिनट हो गया है, अभी हम चेक करेंगे कि केक हो गया कि नहीं। एक चाकू हम अंदर डाल के देख लेंगे, चाकू अगर क्लीन है तो केक बन गया है। कुकर से बाहर निकाल देंगे हम केक को ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम 250 ग्राम डार्क चॉकलेट को हम डबल बॉइलिंग प्रोसेस से मेल्ट करेंगे। देन उसमें हम 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे, देन मिक्स करेंगे। क्रीम अच्छे से मिक्स होने के बाद हम यहाँ पे 100 ग्राम बटर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। बटर अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इस बैटर को अभी हमें ठंडा नहीं करना है, उसको हमें गर्म ही रहने देना है। मतलब अभी गैस को फ्लेम को अभी बंद कर देंगे, अभी ऐसे गर्म पानी के ऊपर इसको ऐसे रहने देना है। तो चलिए अभी देख लेते कि हमारा केक अभी ठंडा हो गया है कि नहीं। केक तो अभी ठंडा हो गया है, तो चलिए उसको अभी डीमोल्ड कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे हमें डीमोल्ड करना है, एक प्लेट रख के उसको ऐसे पलट देना है।
आप देख सकते हैं केक तो हमारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना है, बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बना है हमारा केक। अभी हम केक को बीच में से ऐसे कट कर देंगे। कट करने के बाद ऊपर का हिस्सा हम और एक प्लेट में निकाल देंगे। अभी जो नीचे का पार्ट बचा हुआ है उसमें हम जो चॉकलेट का मिक्सचर बनाए थे, मेल्टेड चॉकलेट, उसको हम चारों तरफ ऐसे स्प्रेड कर देंगे, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। उसके ऊपर हम ऊपर का हिस्सा जो कट किए थे उसको रख के मेल्टेड चॉकलेट को डाल देंगे और इवनली चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल में एगलेस आटे की केक आप घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी कढ़ाई में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक, आप चेक जरूर कर लेना। अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और ये केक बनाना काफ़ी ईजी है, आपने देखा ना, ये केक बहुत ही ईजीली बन जाता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है उसमें लेकिन टेस्ट उसका बहुत ही अच्छा आता है। तो घर पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और घर पे सब खा के क्या बोले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ मेरा केक में चॉकलेट तो अच्छे से स्प्रेड हो गया है, अभी टाइम है उसकी डेकोरेट करने की। तो मैं यहाँ पे ग्रेटेड चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसमें चॉको चिप्स भी डाल सकते हैं या फिर पोटैटो पीलर की हेल्प से भी आप चॉकलेट को पील करके भी डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे ग्रेटेड चॉकलेट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। देन मेरे पास यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे चॉकलेट्स पड़े हुए थे घर पे, तो मैंने यहाँ पे भी उसके ऊपर ऐसे डेकोरेट किया है और बन गया मेरा केक। मिस्टर हस्बैंड तो अभी सो रहे थे बट जिया उनको उठाई और गिफ्ट को ओपन करने के लिए बोल रही है। ये है हमारे तरफ से गिफ्ट, तो चलिए देखते हैं गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है। गिफ्ट बॉक्स से अंदर था ये वॉच जो मैं मिंत्रा से परचेस की थी, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहो तो चेक जरूर कर लेना। तो ये वॉच भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो आप बताइए आपको कैसा लगा ये वॉच। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी क्योंकि हम लोग थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, इसीलिए हमें रेडी होना है।